अभी आया हूँ मैं गुरुद्वारा श्री बार साहब में। हम सबके जो फेवरेट यूट्यूबर है जट प्रभजीत, तो उनका जो एक्सीडेंट हुआ ना, उसके लिए हमने इस गुरुद्वारे में क्या प्रेयर किया, प्रार्थना किया ताकि वो जल्दी जल्दी ठीक हो और हम लोगों को क्या इंटरटेनमेंट करे। तो उनको भी ये दिखाता हूँ, ये बना रहे हैं भैया यहाँ पे ईंटें। भैया क्या नाम क्या आपका, क्या नाम है? निखात। कब से काम कर रही है? 15 साल हो गए। 15 साल हो गए ये काम करते हुए। अच्छा, और इसमें हेलो गाइस, क्या हाल है? उम्मीद करते हैं कि सब लोग ठीक ठाक होंगे। मेरा नाम है विक्की भारद्वाज। दोस्तों, दिवाली को जो है गुजरे हुए 5 से 6 दिन हो गए हैं, तो अभी जो घर में हमने आगे लड़ियाँ लगाई थी ना, वो वाली उतारी नहीं जो चलो अब क्या करते हैं उनको उतारते हैं, क्योंकि उसमें कुछ ऐसा सामान है जो मुझे चाहिए मेरी दुकान के ऊपर, जैसे कि एक्सटेंशन बोर्ड वगैरह ना, वो मुझे दुकान में डेली चाहिए होते हैं चार्जिंग वगैरह लगाने के लिए और रात को लाइटें वगैरह जगाने के लिए। तो चलो वो लड़ियाँ उतारते हैं, यानी कि वो LED लाइट्स उतारते हैं और मैं चने खा रहा हूँ। अगर आप लोग खाना चाहते हो तो आओ, मोस्ट वेलकम है, इकट्ठे बैठ के खाते हैं। चने जो है ना, ये कैल्शियम से भरपूर होते हैं, ये हमको क्या जैसे ही सर्दियाँ आती है थोड़े इसकी तासीर जो है गर्म होती है, तो इनको क्या खाना चाहिए। और अगर आप खाते हो तो आओ, मोस्ट वेलकम है, और नहीं खाते तो चलो फिर क्या हम लड़ियाँ उतारते हैं। ये वाले एक्सटेंशन बोर्ड की बात कर रहा था मैं, ये मेन जो है ना वहाँ पे ज्वाइंट किए हुए थे, ये मेरे को दुकान पे चाहिए होते हैं, तो इनको उतारते हैं। एक एक्सटेंशन बोर्ड ये है, ये 2 एक्सटेंशन बोर्ड लगाए थे मैंने, ये वाला जो है ना वो घूमने वाला बल्ब है जो मैंने आपको दिवाली वाली रात में बोला था ना, मैंने वो ऊपर लगाया हुआ है, ये है वो घूमने वाला बल्ब। इसके पीछे ये सिंपल एक होल्डर लगा कर ना चल जाता है, ये ऐसा छोटे वाला होल्डर आता है एक, इसको लगा कर ऐसे सिंपल ये ऐसे चल जाता है। तो बाकी की लड़ियाँ ना वो ऊपर से उतरेंगी, क्योंकि वहाँ मैंने आपको पता ना एक जॉइंटर लगाया था, उस जॉइंटर को क्या मैं उतारता हूँ, उसके बाद जो है ना उस जॉइंटर उतरेगा तो फिर उसके साथ क्या बाकी की लड़ियाँ भी उतर जाएंगी। तो चलो मैं ऊपर से उतारता हूँ, चने खा रहा हूँ, फिर से बोल रहा हूँ खाने हैं तो आ जाओ। चलो अब ऊपर चलता हूँ ये सीढ़ी से। ये अब वो जॉइंटर ये लगाया था ना, अब देखो ये लड़ियाँ ना एक एक करके ये सारी लड़ियाँ निकालनी पड़ेंगी, उसके बाद क्या इसको रोल करके नीचे ले जाऊँगा मैं। सारी जितनी भी लड़ियाँ ना वो ऊपर से और नीचे से उतार कर मैंने ये रख ली हैं। अब जो जो सामान मुझे दुकान के लिए चाहिए जैसे एक्सटेंशन बोर्ड वगैरह वो मैं वहाँ ले जाऊँगा, बाकी की मैं यहीं रख दूँगा घर पे ही, क्योंकि ये ना हम 5-6 साल से यही चला रहे हैं, ये वाटरप्रूफ होती है ना, ये 5-6 साल क्या चल जाती है, रात को अगर ओस वगैरह पड़ती है ना तो ये ख़राब नहीं होती, तो ये मैं पिछले 5-6 साल से यही चला रहा हूँ, तो इसको मैं लिफाफे में पैक करके क्या अब अंदर रख दूँगा। प्योर अभी आया हूँ मैं एक पट्ठे के पास, जो ना ईंटें बनती है ना जो कच्ची ईंटें, वो मैं देखने के लिए यहाँ से मैं गुजर रहा था, मैंने सोचा कि चलो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। वैसे मेरा भी ना काफ़ी दिनों से दिल कर रहा था ये देखने का, क्योंकि मैं यहाँ से ना कितनी बार आते जाते ना, तो मैं सोच रहा था ये कैसे बनती है कैसे नहीं, मैं आप लोगों को भी ये दिखाता हूँ। ये बना रहे हैं भैया यहाँ पे ईंटें। भैया क्या नाम क्या आपका, क्या नाम है? निखात। निखात, कब से काम कर रही है? 15 साल हो गए। 15 साल हो गए ये काम करते हुए। अच्छा, और इसमें मिट्टी, इस मिट्टी का क्या मतलब, पहले क्या बनाना पड़ता है इस मिट्टी में कुछ डाल के? पानी, बस पानी डालना पड़ता है। ये सिंपल मिट्टी, ये ऊपर से चिकनी चिकनी है, कुछ डालो हुआ बीच में ना, ये रेत टाइप लग रहा है ऐसे जैसे रेत डाली हुई है, बस रेत ही डालना पड़ता है। अच्छा, रेत डालना पड़ता ना इसमें, वही तो पूछ रहा हूँ मैं भी, कुछ डालते हो इसमें? अच्छा, मिट्टी में रेत मिलाते हो। कितनी ईंटें बनाते हो दिन में? 2000 एक बंदे में। एक बंदे का 2000, और 2000 ईंटें बनाने का कितने पैसे मिलते हैं? मिल जाता है 1700। 1700 रुपया 2000 ईंटें बनाने का। और कितने बंदे बनाते हैं 2000 ईंट? 2000 ईंट दो बंदे में। 2000 ईंट दो बंदे बनाते हो? अच्छा अच्छा, और कितने कितने देर में बन जाती है 2000 ईंट? 10 घंटे लग जाता है बनाने में। 10 घंटे? अच्छा अच्छा, और ये ईंट के ऊपर मार्का क्या है? GBC। अच्छा, ये उसका मालिक का नाम होगा ना GBC? अच्छा अच्छा, ठीक है। और फैमिली यही रहती है सारी, परिवार? हाँ, ये आपका परिवार है ये सारा?
हाँ वो मेरा साला है। अच्छा ये जीजा वो साला, ठीक है जीजा साला एक साथ काम कर रहे हो, चलो बढ़िया। कहाँ से हो? छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़िया सबसे बढ़िया, ठीक है चलो ठीक है करो काम। तो मैं आप लोगों को यही दिखा रहा था कि ये जो लेबर है ना कितनी मेहनत का काम करती है। ये जो रोड है ना ये सामने, इस रोड से मैं हमेशा गुजरता हूँ, मतलब कि कहने का कि मैं 2-3 बार जो है ना हफ्ते में इस रोड से गुजरता हूँ। तो मैंने सोचा कि चलो आप लोगों को आज ये दिखाता रहता हूँ। काफ़ी दिन से ना मैं ये सोच रहा था कि इसको मैं कवर करूँ, तो सोचा कि चलो आपको दिखाता हूँ। ये देखो इनकी जो वाइफ जो है ना, वो जीजा ये साला और साले की पत्नी, और वो जो ट्रैक्टर लगा हुआ है ना, वो ट्रैक्टर से वहाँ से मिट्टी निकालते हैं ये। वो देखो एक साइड पे ना ये सामने जो है यहाँ पे गिल्ली मिट्टी जो है ना वो उसको बना रहे हैं, बनाकर फिर इनको ला कर देते हैं यहाँ पर। ये फिर ईंटें बनाते हैं फिर ये वाले। वो वहाँ ट्रैक्टर है, ट्रैक्टर से मिट्टी खोदते हैं ये पहाड़ से और फिर इनको देते हैं, और वहाँ से बनकर फिर यहाँ पर आती है। अच्छा कारीगरी का काम है ये सारा का सारा। वैसे उसने बोला कि मैं जो है ना 2000 रुपया मेरे को मिलता है ये 2000 ईंट बनाने का। तो चलता हूँ अब यहाँ से, वो सामने मेरी बाइक लगी हुई है, अब चलता हूँ यहाँ से किसी और लोकेशन में। व्यूवर अभी आया हूँ मैं गुरुद्वारा श्री बाढ़ साहब में। हम सबके जो फेवरेट यूट्यूबर है जट प्रभजीत, तो उनका जो एक्सीडेंट हुआ ना उसके लिए हमने इस गुरुद्वारे में क्या प्रेयर किया, प्रार्थना किया ताकि वो जल्दी जल्दी ठीक हो और हम लोगों को क्या इंटरटेनमेंट करे। सो मैं इस गुरुद्वारे में आकर मैंने उनके लिए क्या प्रार्थना की थी। तो चलो मैं आगे भी इस गुरुद्वारे की जो बड़ी मान्यता वो मैंने आपको पहले भी दिखाया, और काफ़ी इसका मेरे एक वीडियो पहले भी आई हुई है इसके गुरुद्वारे के रिलेटेड। तो अभी मैं आपको सारी वीडियो नहीं दिखाऊंगा क्योंकि मैंने पहले भी आपको क्या इस गुरुद्वारे का विज़िट करवाया हुआ है। वो वीडियो जो है ना नीचे होगी प्लेलिस्ट में, आप वहाँ से देख लेना। और अभी हमने प्रेयर कर दिया, आप भी प्रेयर करना, आप लोग भी जो हमारे फेवरेट यूट्यूबर है जट प्रभजोत, वो क्या जल्द से जल्द ठीक हो और हमको अच्छी अच्छी वीडियो दें और इंटरटेनमेंट करते रहें हमको। व्यूअर ये जो मेरे पीछे बोर्ड है ना ये गुरुद्वारा बाढ़ साहब के जाने के लिए जो है ना मेन रोड हाईवे पे ऊपर क्या बोर्ड लगा रखा है, यानी कि साइन बोर्ड लगा रखा है। वो मेरे पीछे देख रहे हैं आप, जो एरो बना हुआ है, एरो का मतलब यह है कि जो ये हाईवे है ना ये पठानकोट अमृतसर हाईवे है, और पठानकोट अमृतसर हाईवे से अगर आपने बाढ़ साहब गुरुद्वारे में जाना ना तो ये इस साइड को जाना है, ये उसका एरो बना रखा है। इसके आगे एक और मेन रास्ता भी है लेकिन ये रास्ता भी पड़ता है, और ये रास्ता कहाँ पड़ता है, ये पड़ता है अमन पल्ला जो कॉलेज है ना इंजीनियरिंग कॉलेज है उसके पास पड़ता है। पठानकोट में एक बहुत ही जो है ना मशहूर, जिसको कह सकते हैं फेमस जो है ना एक गुरुद्वारा, एक पठानकोट में बहुत ही एक फेमस जो है ना इंजीनियरिंग कॉलेज है जिसका नाम है अमन पल्ला कॉलेज, ये बीटेक कॉलेज है, उसके बिल्कुल पास जो है ना ये बाढ़ साहब गुरुद्वारा पड़ता है। अगर किसी ने यहाँ पर आना हो ना माथा टेकने के लिए तो यहाँ आ जाना। इसके इस साइड पर आप वो देखो ये नहर पड़ती है, इस साइड पे नहर है और इस साइड पे ये गुरुद्वारे का रास्ता जाता है, और ये सामने फ्लाईओवर है ये। चलो मैं आपको पूरा दिखाता हूँ, इस साइड से गुरुद्वारा और इस साइड पे अमन पल्ला कॉलेज है, और ये रहा वो अमन पल्ला कॉलेज, ये देखो ये अमन पल्ला कॉलेज है, और वो अंकल जो है ना नीचे वो देखो वो वहाँ से क्या मछलियाँ पकड़ रहे हैं, वो अंकल क्या नीचे पानी में क्या मछलियाँ पकड़ रहे हैं। तो चलो आपको मैं सोचा कि जाते जाते क्या पूरी लोकेशन बताता जाऊँ कि ये बाढ़ साहब गुरुद्वारा कहाँ पड़ता है। जो पठानकोट लोकल से हैं उनको तो सब पता है, लेकिन जो दूर से आते हैं ना उनको नहीं पता था, क्योंकि कुछ सब्सक्राइबर हमारे जम्मू से भी हैं या कुछ और भी, जो पाकिस्तान से देखते हैं या नेपाल से देखते हैं या बांग्लादेश से देखते हैं, ये उन सब के लिए है। यहाँ मैंने बाइक खड़ी की है ना, वहाँ किसी ने क्या सड़ी हुई सब्जियाँ फेंकी हुई हैं, ये देखो ये जो सब्जी वाले होते हैं ना, जो रेड़ी वाला जो रेड़ी वगैरह वाले होते हैं, जब उनकी सब्जियां सड़ जाती हैं जो बेकार हो जाती हैं ना, वो यहाँ फेंकी हुई हैं, ये देखो